জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় সেনা জঙ্গি সংঘর্ষে শহীদ দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা মেজর ব্রিজেশ থাপা। শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর, বুধবার শহীদ ব্রিজেশ থাপার দেহ ফিরবে পাহাড়ে। একজন মা, বাবা আর ওনার পরিবার খুব দুঃখিত। ওনার পরিবারের যা ক্ষতি সেটা জীবনভর পূরণ করা যাবে না, কিন্তু একজন আর্মি ফ্যামিলির পক্ষ থেকে ওনারা খুব গর্বিত। দার্জিলিং থেকে বিনয় শঙ্কর, কলকাতা টিভি। ব্রিজেশ থাপা যে শহীদ হয়েছেন তার বাবা ঠিক কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। দার্জিলিং এ ব্রিজেশের বাড়িতে শোকের ছায়া। মেরা লাস্ট বাত সন্ডে মে হুয়া থা, 9:30 বাজে সুবহ। उस टाइम वो बोल रहा था कि वो एक दिन पहले ऊपर से नीचे आया था, ऊपर पहाड़ी से, और दूसरे दिन फिर उसको वापस उधर ही जाना था, क्योंकि कोई खबर है करके उनको बोला था कि ऊपर मेरे को जाने का आदेश मिला हुआ है। तो फिर वो मैं 9:30 बजे बात किया, वो बोल रहा था मुझे 11 बजे स्टार्ट करना है यहाँ से, तो वो और 6 या 7 घंटे का क्लाइंब करना है ऊपर चढ़ के ऊपर, क्योंकि उधर रोड नहीं है, तो ऐसे जंगल का रास्ता ही ऊपर जाना होता, तो उसको पार्टी लेके ऊपर जाना था। तो यही लास्ट बात हुआ था, और मतलब 14th को, और ये 15th को नाइट को ये हुआ। आप भी रिटायर्ड आर्मी है, तो उनको क्या यही से बचपन से यही शौक था सेना? हाँ, वो जो है वो हमेशा बोलता था कि मैं क्या अपने आप जैसे ही मैंने जाना। जब हम गाड़ी में भी चलते थे तो हमारा जो फौजी गाड़ी में मैं आगे बैठता था और पीछे बैठते थे, बच्चे थे, तो बोलता था किसी दिन मैं भी आगे के उसमें सीट में बैठूंगा। गाड़ी बोलते थे आपका देश के लिए अपना दिया है, तो क्या बोलेंगे? अभी ऐसा है कि अभी क्योंकि उसका इंटरेस्ट छोटे से फौज में और देश के लिए लड़ना था, तो उन्होंने अपना कभी वो ऐसा इसे डरे नहीं, कभी वो झुके नहीं, और हमेशा जो है वो जो भी काम था वो अपना ठीक ठाक करता था, और जो भी बोला वो सही करता था। उसने इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक किया हुआ है, तो उन्होंने बोला था, लेकिन वो बोला नहीं नहीं मैंने आर्मी में